मथुरा के कृष्णा विहार इलाके में बनी पानी की एक टंकी एक साल में ही धराशायी हो गई। रविवार को पानी की टंकी गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग जख्मी हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ और सेना को भी रेस्क्यू के काम में लगाया गया। देर रात तक मलबे में जिंदगी की तलाश होती रही। टंकी बनाने वाले ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मथुरा के डीएम और आगरा रेंज के आईजी समेत बड़े अधिकारी रात भर मौके पर रहे। करीब 2.5 लाख लीटर की क्षमता वाला ये ओवरहेड टैंक एक साल पहले ही बनकर तैयार हुआ था। टंकी के गिरने से आसपास के दर्जनों मकानों को भी घरों को भी नुकसान हुआ। स्थानीय नेताओं का कहना है कि टंकी के निर्माण में घटिया सामानों का इस्तेमाल की शिकायत पहले भी की गई लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये मतलब बताना अभी क्लियर नहीं है कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन क्लियर होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे रास्ता बना रहे हैं और ये जो दीवार आप देख रहे हैं इसको जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और भी जो आसपास में मकान है उसमें किसी किस्म की जो है क्षति या नुकसान न पहुँचे। जैसे कि आप चारों तरफ देख रहे हैं, सबसे पहले हम रास्ता बना रहे हैं ताकि जो धीरे धीरे डेबरी और वो मलबा निकल रहा है उसको क्लियर करके बाहर फेंक सकें और साथ ही साथ ये दूसरी तरफ से दीवार तोड़ने का भी काम चल रहा है। कह नहीं सकते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, कटिंग भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर होगा तो उसको निकालेंगे सकुशल, पर अभी तक मतलब ऐसा कुछ संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है इसके बारे में जो है मैं कुछ। आज शाम में एक यहाँ पर एक घटना घटी जो कि बहुत ही दुखद रही, जिसमें एक पानी की टंकी जो है बारिश के समय में गिर गई। इसमें कुछ लोग दब गए, तत्काल पुलिस की टीम, रेस्क्यू की टीम आई, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, एसएसपी डीएम सभी ने मौके का अवलोकन किया और जो भी लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया। अभी तक की जानकारी में जो 2 लोग थे इसमें 2 महिलाएं थी वो मृत पाई गई हैं। इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है इस संबंध में जो भी जिसके द्वारा भी तहरीर दी जा रही है उसमें हम लोग इसमें मुकदमा जो है जो भी ठेकेदार जिसके द्वारा ये बनाया गया उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। हम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और हम लोग पूरी टीम वहाँ पहुँच गए थे। अभी तक जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसके दौरान 2 लोगों को यहाँ पे हॉस्पिटल लाती हुई उनकी डेथ हो गई, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 13 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। 13 में से 12 लोग अभी तक बिल्कुल ठीक हैं, एक की स्थिति थोड़ी गंभीर है, उनको यहाँ से एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, हम आर्मी की भी हेल्प ले रहे हैं इसमें, बाकी हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है, पुलिस की टीम है, रेवन्यू की टीम है और आपदा की टीम है वो सारी टीमें लगी हुई हैं।